गड्ढा यात्रा में हुए खून के हत्यारों को पुलिस ने मात्र 12 घंटों में ढूंढ निकाला। दरअसल गुरुवार 19 जनवरी शाम 5 बजने के आसपास गड्ढा यात्रा में अपनी बाबा वॉच की दुकान चला रहे बिहार राज्य के 21 साल आतिक शाह के पास अपने उधार दिए हुए पैसे मांगने 34 साल अरविंद कृष्णा सिंह सिन्हा और अन्य 4 लोग आए थे। इसी समय पैसों को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि 34 साल अरविंद कृष्णा सिंह सिन्हा, 28 साल गुलशन शमशाद खान, 25 साल नौशाद मुश्ताक कादरी, 25 साल इबरार इस्तेकार खान, 21 साल इस्तेकार खान, इन 5 ने मिलकर आतिक शाह और उनके साथी परवेज तबरेज आदिल पर चाकू से हमला किया, जिसमें आतिक शाह की मौत हो गई तो उसके अन्य 3 साथी जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम भेज मामले की तहकीक में जुड़ गई। अब आपको बता दें कि पुलिस ने इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा 302 और अन्य धाराओं के तहत इन 5 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। काल दिनांक 19 जनवरी 2023 रोजी इसमनामे आतिक शाह याचा 4 ते 5 इसमांनी धारदार चाकूने वार करून खून केल्याबाबतची माहिती आम्हाला मिळाली। त्याच्यानंतर आम्ही सर्व टीम आमच्या कार्यान्वित केल्या, त्याचप्रमाणे क्राईम ब्रँचची टीम आम्ही कार्यान्वित केलेली होती। सदरच्या जी कारवाई आहे ती माननीय पोलीस आयुक्त डॉक्टर राजेंद्र मानेसर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपायुक्त विजय कबाडे सर, सहाय्यक पोलीस आयुक्त गायकवाड सर यांनी सर्व कारवाई अत्यंत सूत्रबद्धपणे सर्व सूत्रे हलवल्यामुळे सदरचे आरोपी हे पळून जात असताना त्यांना अक्कलकोट जवळ पकडलेलं आहे। त्याचप्रमाणे दुसरा आरोपी हा बसने जात असताना त्यालाही आम्ही ताब्यात घेतलेलं होतं। सर एकूण किती आरोपी? एकूण 5 आरोपी आहेत। 5च्या 5 आरोपींना आज आम्ही अटक केलेली आहे।